उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। 19-20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश, जबकि हर्षिल औली समेत 28 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। इन दो दिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरगढ़ और बागेश्वर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही 28 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पीक होगा एक्टिविटी का तो वो 19 तारीख आप शाम रात से कह सकते हैं और जो 20 की शाम रात तक ही रहेगा, तो पीक एक्टिविटी इस दौरान है। लेकिन फिर उसके बाद भी 21-22 में भी हल्की से मध्यम बारिश वगैरह वो सब रहेगी। तो अगर मैं डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलनी शुरू हो जाएगी, शाम से मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कहूँगा कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब कुछ जगहों तक ही रहेगा उनमें, और बर्फबारी की जहाँ तक बात है तो वो आप कह सकते हैं कि 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर ही वो करीब करीब उस दिन रहेगी। जब आप 19 को देखेंगे तो 19 को जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश में जो है बादल अच्छे खासे छा जाएंगे।